आज मैं सबरी से इंतजार कर रहे हो कि मेरा रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। तुझे अपने रिजल्ट अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन तेरा रिजल्ट कैसा आ रहा है ये तुझे मालूम नहीं है। तेरे रिजल्ट में कितनी गिरावट आ रही है ये भी तुझे मालूम नहीं है, लेकिन इससे तुझे क्या मतलब। तुझे तो सिर्फ रिजल्ट चाहिए, चाहे तेरे रिजल्ट में गिरावट हो चाहे तू फेल हो, बस तुझे रिजल्ट चाहिए। हमें साले पढ़ने के समय पर इंजॉय किया करता था, इधर उधर घुमा करता था, ऐसा ही बैठ कर गप्पे मारता था, दिन दिन भर मोबाइल पर बिजी रहता था, अपने टाइम को दिन दिन भर ख्याली पुलाव पका कर बर्बाद किया करता था। उसके बावजूद भी आज तू अपने आप से एक बेहतर रिजल्ट पाने की उम्मीद कर रहे हो। अबे यार, जब तूने बीज बोया ही नहीं तो फल की उम्मीद क्यों कर रहे हो? जब तूने संघर्ष किया ही नहीं तो सफलता पाने की उम्मीद क्यों कर रहे हो? जब तूने चुनौतियों का सामना किया ही नहीं तो जंग जीतने की उम्मीद क्यों कर रहे हो? जब तूने बेहतर रिजल्ट लाने के लिए जो कीमत चुकानी चाहिए वो कीमत चुकाया ही नहीं तो फिर अच्छे रिजल्ट की उम्मीद क्यों कर रहे हो? अबे यार, ख्याली पुलाव पकाना छोड़ कि मेरा रिजल्ट अच्छा आ रहा है। अच्छी तरह जानता है कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है, और वो मेहनत तुमने तो किया ही नहीं है। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए जितना पढ़ना पड़ता है उतना तुमने पढ़ाई किया ही नहीं है, और फिर भी तू अपने आप से अच्छे रिजल्ट पाने की उम्मीद कर रहे हो, और तुझे अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है ना। तेरी कान तेरे रिजल्ट को सुनने के लिए बेकरार है ना, तो सुन ध्यान से अपने रिजल्ट को। तू फेल हो गया है, तेरे हर विषय में 0 मार्क्स मिले हैं, यानी तुझे पूरे के पूरे मार्क्स में सारे 0 नंबर मिले हैं। तू बेरहमी से पल हुआ है, बता तू अब क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा तू क्या करेगा? बोर्ड को दोष लगाएगा कि उसने मेरे कॉपी को अच्छे से चेक नहीं किया है, बोर्ड ने मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। बस तू कुछ ऐसा ही कहकर अपने माँ बाप को दिलासा दोगे और तेरे बात को तेरे माँ बाप मान लेंगे, क्योंकि बहुत बोले वाले है। यही तो यही है कि बोर्ड ने तेरे साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया है, तेरे भविष्य के साथ बोर्ड नहीं बल्कि तू खुद अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। अब भी संभल जाओ यार, टाइम बहुत है, नहीं तो एक दिन तुझे बैठकर अपने किए पर रोना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ भाई, अपनी कमी पूरी दुनिया से छुपा लो, लेकिन अपनी कमी अपने आप से कभी मत छुपाओ, वरना बर्बाद हो जाओगे।